पिछले 24 घंटा में ओडिशा का सभी जिला में ड्राई व सूखा वेदर था। मिनिमम टेम्परेचर कुछ कुछ स्थानों पर स्वाभाविक से 2 से 3 डिग्री तक कम था। लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर प्लेन सिवरे में था फुलवानी 10.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा भुवनेश्वर सिटी में मिनिमम टेम्परेचर था 16.8 डिग्री सेल्सियस, ये स्वाभाविक से 2 डिग्री कम था। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, इसमें नेक्स्ट 2 डेज 19th एंड 20th, आज और कल सभी जगह में ड्राई वेदर रहने का ही पॉसिबिलिटी है। और 21st को साउथ उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हल्का बारिश होने का चांसेस है। बाकी सभी जगह में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का ही चांसेस है। फिर उसका बाद 22nd 23rd मोस्टली ड्राई वेदर रहने का ही चांसेस है। मिनिमम टेम्परेचर अगला 24 आवर्स में ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। 24 आवर्स के बाद स्लाइट कुछ कुछ एरिया में स्लाइट इंक्रीज करने का चांसेस है। फिर हमारा 3 दिन के बाद फिर स्लाइट डिक्रीज करने का चांसेस है। कुल मिलाकर के जो है हमारा अगला 5 दिन में टेम्परेचर का सिग्निफिकेंट ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। प्लस माइनस 1-2 डिग्री का अंदर में ही रहेगा। और भुवनेश्वर सिटी में कल मिनिमम टेम्परेचर 17 के आसपास रहने का चांसेस है। और अभी पार्टली क्लाउडी स्काई अगला 2-3 दिन तक रहने का चांसेस है।